Hello and welcome friends, today we are going to learn how to create a database and how to apply a validation rule in database. So click here blank database, now click on create, go to the design view and we have to type here name of car. Okay, यहाँ पे name of car हमें type करना होगा, ये text data type होगा। टेक्स्ट डेटा टाइप पे वैलिडेशन रूल कैसे लगाना है ये हम बाद में सीखेंगे, अभी हमको ये सीखना है कि हम प्राइस पे वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ प्राइस पे वैलिडेशन लगाते हैं हम। तो यहाँ पे देंगे हम प्राइस, कार की प्राइस जो भी होगी वो नंबर डेटा टाइप होगा, यहीं पे हमें वैलिडेशन लगाना है। इसके आगे एक चीज़ और दे देते हैं, डेट ऑफ परचेजिंग। ओके, तो डेट ऑफ परचेजिंग जो भी होगा हमारा वो क्या होगा, वो होगा डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और दे देंगे हम, सर्विस डेट, एक महीने बाद की सर्विस डेट होती है, तो यहाँ सर्विस डेट देंगे हम, डेट एंड टाइम डेटा टाइप ये भी होगा। लास्ट में हम डिस्काउंट दे देंगे कि कितना डिस्काउंट इसको मिल रहा है। तो ये जो डिस्काउंट होगा ना, यहाँ पे हम लगाएंगे अपना, ये नंबर डेटा टाइप होगा और यहीं पर हम लगाएंगे अपना वैलिडेशन रूल। तो आइए वैलिडेशन रूल पे चलते हैं और यहाँ लिखते हैं लेस देन 5000, नॉट मोर देन, सो लेस देन 5000, नॉट 5000, लेस देन 5000, यानी कि 5000 से कम होगा, 5000 भी नहीं होगा और 5000 से ज़्यादा भी नहीं रख सकते आप। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉट, या फिर यहाँ पे लिखते हैं ऐसे, लेस देन 5000। यहाँ मैं आगे एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लीज टाइप लेस देन 5000। ठीक है, अब आपको क्रिएट यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह का सिनेरियो आपके सामने मौजूद है। अब यहाँ नेम ऑफ कार मारुति है, ठीक है, और मारुति यहाँ लिखा हमने। इसके बाद यहाँ पे प्राइस आती है, प्राइस की बात आती है, तो जैसे मान लीजिए प्राइस 7 लाख रुपए है, ठीक है, और डेट ऑफ परचेजिंग, अब यहाँ पे डेट देना होगा, जो भी परचेज की डेट होगी यहाँ से हम चूज कर लेंगे और दे देंगे। जैसे सपोज कीजिए 1 सितंबर 2019 को हम परचेज कर रहे हैं ये, और यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो एक महीने बाद आती है सर्विस की डेट, तो एक महीने बाद की सर्विस की डेट हम यहाँ लगा लेते हैं, आप कोई भी सर्विस की डेट ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्काउंट की बात आती है, तो हमने लिखा है कि 5000 भी नहीं होना चाहिए, 5000 से कम भी नहीं होना चाहिए, 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5000 अगर हम देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्लीज़ टाइप लेस देन 5000, यानी 5000 से कम डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। आइए 6000 दे के देखते हैं यहाँ क्या आता है, 6000 दिया, तो यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ टाइप लेस देन 5000, ये बार बार एरर आ रहा है। अगर हम 4999 रुपये देते हैं तब क्या होगा, 4999 देते हैं, एंटर करते हैं तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से हम वैलिडेशन दे सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मारुति की दूसरी कार खरीदी जाती है और उसकी प्राइस है 5 लाख, ठीक है, परचेजिंग डेट जो भी हो आपकी, यहाँ से आप चूज कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे डिस्काउंट अब देंगे हम 3000 रुपये, तो ये सब एक्सेप्टेबल है, बस आपको 5000 या 5000 से ज़्यादा टाइप नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये हम आसानी के साथ कर पा रहे हैं इसमें। और अब हम इसको लेंगे फॉर्म व्यू में, तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ से फॉर्म व्यू क्रिएट कर लेंगे हम, यहाँ से टेबल वन जो आ रहा है इसको हटा देंगे हम, क्योंकि ये टेबल वन टाइप का हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, तो यहाँ पर इसको हटाएंगे, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे मारुति डेटाबेस, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको कलर भी कर सकते हैं हम, कहाँ से कलर करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है कलर करने के लिए, यहाँ से कलर आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो यहाँ पे देखिए ये कलर हो चुका है, इसको आप बोल्ड में भी कर सकते हैं, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए आप, तो देख सकते हैं कितने ईजिली से ये ईजिली ये बन रहा है। तो आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। यहाँ से हम लेआउट चूज कर सकते हैं, जो भी आपको व्यू जैसा भी रखना हो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।